हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। 19th ऑफ दिसंबर को टोटल 3 IPOs ओपन हुए हैं। 18 को भी 3 IPOs ओपन हुए थे, 19th को भी 3 IPO ओपन हुए हैं और 20 को भी एक IPO ओपन होने वाला है 10 बजे से, जो है आज़ाद इंजीनियरिंग का IPO। देन 21st को भी एक IPO ओपन होने वाला है। कहने का मतलब है कि दिसंबर का जो ये मंथ है वो फुल ऑफ IPOs है। अब ऐसे में काफ़ी डिलेमा है, काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन से IPO में अप्लाई करना है, कौन से में नहीं करना है, कहाँ पर मैक्सिमम लिस्टिंग गेन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसका क्या ग्रेट मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यहाँ पे आपका फंड भी ब्लॉक होता है। तो इसलिए काफी सोच समझकर किसी भी IPO में आपको पैसा लगाना है। और आपको IPO अलॉट होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से IPO के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर का या फ्रेंड का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से जाके ओपन करा सकते हैं। तो 19th ऑफ दिसंबर को जैसा मैंने आपको बताया कि 3 IPO ओपन हुए हैं, जिसमें से पहला है हैप्पी फॉर्जिंग का IPO, दूसरा है मुफ्ती जीन्स का IPO, तीसरा है हमारा RBZ ज्वेलर्स का IPO। तो तीनों ही के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा IPO कैसा है, किसका क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे फाइनेंशियल्स हैं, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, किस में किस तरीके की लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है और फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन इसमें किस तरीके की देखने को मिली है, कैसा डिमांड देखने को मिला है। तो आज सेकेंड डे है, तो आज सेकेंड डे में मैं 10 बजे से पहले ये वीडियो बना रही हूँ, तो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे काफ़ी हद तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमें इस IPO के लिए, किस IPO के लिए अप्लाई करना है और किसके लिए नहीं करना है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। उसके बाद 20th को मीन्स आज एक और IPO ओपन होने वाला है, जो है आज़ाद इंजीनियरिंग का IPO। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हैप्पी फॉर्जिंग IPO के बारे में बात करें, तो कंपनी की बात करें तो 1979 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी जो है हैवी फॉर्जिंग एंड हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। मीन्स जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको फोर्स करके, कंप्रेस करके, उनसे जो है हाई प्रिसीजन मेटल मशीन कंपोनेंट्स जो होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग करने का काम ही कंपनी करती है। तो कंपनी का काम हो गया। अगर इसके कुछ हम प्रोडक्ट्स की बात करें, किस तरीके की प्रोडक्ट्स ये बनाती है और कौन कौन इनके क्लाइंट्स हैं, तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स की अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्रैंकल साफ्ट, फ्रंट एक्सिस कैरियर, स्टीयरिंग कंकल्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, प्रिसीजन स्टाफ, सस्पेंशन प्रोडक्ट्स, वेल्व बॉडीज, इस तरीके के कुछ उनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये अपने डिफरेंट कस्टमर्स जो इसमें जिसमें पॉपुलर नेम है अशोक लेलैंड, आम इंडिया, IBCC इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड, JCB इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मैरियट, HVC, इस तरीके के इनके पॉपुलर क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई देती है। और इसके अलावा कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इनके टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, जो पंजाब में है, तीनों ही पंजाब में हैं। और इंडिया के बाहर भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई होते हैं, जिसमें से ब्राज़ील, थाईलैंड, जापान, US, UK, तो इस तरीके की कंट्रीज़ में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई होती है। मीन ग्लोबल लेवल पर इनकी प्रेजेंस है। यह कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले 3 सालों में किस तरीके की कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के असेट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी का असेट हमको अच्छा खासा ग्रो होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का रेवेन्यू जो है लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो 38% से राइज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 46% से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2023 से लेके करेंट 2023 के बीच में ग्रो हुआ है। कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व सरप्लस भी बढ़ रहा है और कंपनी के पास कुछ जो है नॉमिनल बोरोइंग्स भी हैं। PE रेशियो इसका 36.45 का है और मार्केट कैप अगर देखें तो 8007 का इसका मार्केट कैप रहेगा। कंपनी का ROE और ROCE दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। 21.12 ROE है इसका और ROCE इसका 24.24 का है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अर्निंग पर शेयर 23.32 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.12 का है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अगर IPO लाने के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी को कुछ न्यू मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह परचेस करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। देन उसको अपने कुछ बोरोइंग्स भी कम करने हैं और उसके साथ कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी कंपनी को फंड की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी IPO लेके आई है। देन IPO की डिटेल्स की बात करें तो ऑलरेडी ये जो है 19th को ओपन हो चुका है और आज इसका सेकेंड है, 21st ऑफ दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। 27th ऑफ दिसंबर को इसकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। प्राइस बैंड की बात करें तो हायर कट ऑफ पे 850 का इसका प्राइस है। एक लॉट में 17 शेयर्स रहने वाले हैं, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना आपके लिए काफ़ी रहेगा और आपको हायर कट ऑफ पे अप्लाई करना है। टोटल साइज़ की बात करें तो टोटल इस IPO का टोटल साइज़ है 1008 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 608 करोड़ का।
रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 420 का, और अगर इसके प्राइस की बात हमने की थी तो हायर कट ऑफ पे इसका प्राइस था 850 का। इसके बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे 49% तक की आपको बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड हो सकती है। मीन्स अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए भी अप्लाई करते हो तो एक लॉट में 17 शेयर्स थे तो उसके बेसिस पे आपको 7000 के प्लस में ही आपको वहाँ पे एक लॉट पे भी बेनिफिट मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, तो इस आईपीओ के लिए ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड आईपीओ के ऊपर, जो है आरबीजेड का आईपीओ। तो RBZ एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है जो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका जो शोरूम है वो हरित जवेरी के नाम से अहमदाबाद में इस्टेब्लिश है। कंपनी गोल्ड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग का काम करती है और बेसिकली ये होलसेलर्स को अपने प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर मीनाकारी, देन जड़ाव, देन कुंदन वर्क, इस तरीके के प्रोडक्ट, इस तरीके के ज्वेलरीज की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है, और एंटिक ज्वेलरी में इनकी ज़्यादा पकड़ है, और उसके बाद ये अपने होलसेलर्स या फिर रिटेल कस्टमर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो अगर कंपनी की हम बात करें तो इसके अगर पॉपुलर हम क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पे इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो है टाइटन, जिसके अंदर तनिष्क आता है, देन इनका सैनको गोल्ड है, मालाबार गोल्ड है, देन कला मंदिर है। इस तरीके के इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो होल सेलर्स हैं, उनको ये प्रोडक्ट गोल्ड ज्वेलरी की मैनुफैक्चरिंग डिज़ाइनिंग करके फिर उनको सप्लाई करती है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। इसी तरीके का एक आईपीओ जो है पहले मोती सन्स का भी हमने देखा है, जिसमें काफ़ी ह्यूज लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस है, वो भी देखा है। अब ये दूसरा है, अब इसमें किस तरीके की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है वो हम आगे देखेंगे। तो ये कंपनी की डिटेल्स की बात हो गई। अब इसके फाइनेंशियल्स की अगर देखें तो कंपनी का असेट आप यहाँ से देख सकते हैं, कंपनी के असेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका रेवेन्यू जो है वो 14% से लास्ट टू ईयर से हमें देखें तो 22 से 23 के बीच में अगर देखें तो 14% से राइज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, 50% मतलब 55% तक का इसमें राइज देखने को मिला है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लास्ट टू इयर्स में। कंपनी का नेटवर्थ में भी हमें राइज देखने को मिल रहा है, कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी बढ़ रहा है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। तो ये जो हमें कुछ ज्वेलरी सेक्टर में कुछ बोरोइंग्स दिखती हैं तो वहाँ पर भी हमने मोती सन्स वाले में भी देखा था कि वहाँ पर भी कंपनी के पास बोरोइंग्स थी, तो इसलिए क्योंकि कंपनी को कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह भी जो है बाय करने होते हैं तो वहाँ पर कुछ नॉमिनल जो है बोरोइंग्स होती हैं। अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका पीई रेशो फिलहाल चल रहा है 13.77 का। मार्केट कैप इसका 400 करोड़ का होने वाला है। कंपनी का आरओई एंड आरओसीई बहुत ही अट्रैक्टिव है, 27.49 दोनों ही है, 15% से अबव होता है तो इट्स अ गुड साइन। डेप्ट इक्विटी रेशो, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास बोरोइंग्स है लेकिन काफ़ी नॉमिनल बोरोइंग्स है, तो डेप्ट इक्विटी रेशो अगर 1 या 1 के नीचे का होता है तो इट्स अ गुड साइन, तो वो भी ओके है। ईपीएस इसका 7.44 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है कंपनी का 20.08 का है। तो कंपनी की फाइनेंशियल्स हमको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आज इसका सेकेंड डे है, 19th को ये ओपन हुआ था और कल इसका लास्ट डेट रहेगा। 3 डेज़ के विंडो में इसके लिए अप्लाई करना है। लिस्टिंग इसकी 27th of December को हो जाएगी। प्राइस बैंड इसका रखा गया है हायर कट ऑफ पे 100 पर शेयर का, एक लॉट में 150 शेयर्स रहने वाले हैं। इस आईपीओ का साइज सिर्फ 100 करोड़ का है, काफी छोटे साइज का यह आईपीओ है और पूरा फ्रेश इशू है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स जो है रिजर्व रखे गए हैं। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट ही अपडेट हुआ है जो है 30 रुपीज का। तो जिसके बेसिस पे अगर इसका प्राइस हमने देखा था, आईपीओ का प्राइस है 100 रुपीज का और ग्रे मार्केट प्रीमियम है यहाँ पे 30 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 30% तक की लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड है। तो मोती सन्स ज्वेलर्स जैसा तो यहाँ पे लिस्टिंग यहाँ पे नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पे हमने 200% तक के ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग गेन अभी भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे 30% का लिस्टिंग गेन है, तो एक ठीक ठाक ओके आईपीओ है। ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी ऑलमोस्ट जो है लोन फ्री ही बोल सकते हैं कि ज़्यादा कंपनी के पास लोन नहीं है, अच्छा काम कर रही है कंपनी। इसके जो अगर क्लाइंट्स की बात करें तो ये बेसिकली होलसेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पे मोती सन्स के जो है वो रिटेल कस्टमर्स थे, यहाँ पे होलसेलर्स इनके ज़्यादा हैं और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जैसा हमने देखा कि टाइटन तनिष्क है, मालाबार गोल्ड है, तो इस तरीके के इनके क्लाइंट्स हैं। तो ऑल ओवर कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका बता रहा है कि इसमें 30% तक की लिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड हो सकती है। और फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऑलरेडी फर्स्ट डे में ये 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट डे में 2 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, मीन्स इसमें डिमांड भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक अच्छा आईपीओ है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं तो अगर आपको फंड की शॉर्टेज है तो जहाँ पे आपको मैक्सिमम लिस्टिंग
दिख रहा है आप वहाँ पे अप्लाई करें, नहीं तो अगर आपके पास फंड है तो इस तरीके की IPOs में भी आपको एक अच्छा खासा डिसेंट लिस्टिंग इनका बेनिफिट आपको मिल सकता है, तो इस IPO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला IPO जो मैंने आपको बताया था हैप्पी फॉर्जिंग का, उसमें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन नहीं बताया था, वहाँ पर भी फर्स्ट डे में 2 times से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। मीन्स अगर दोनों ही IPO, इनफैक्ट तीनों ही IPO, जो तीसरा IPO है आपका मुफ्ती मेंस वेयर का IPO, उन तीनों में ही फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो तीनों ही IPOs में फर्स्ट डे में 2 times की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। 2 times वो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं। और हमारा जो हमारे एक्सपीरियंस पे रूल कहता है कि अगर कोई थर्ड डे के मॉर्निंग तक, मतलब 2 days कंप्लीट होने के बाद अगर 5 times कोई IPO सब्सक्राइब हो जाता है, इट मीन्स कि वो एक अच्छा IPO है, वहाँ पे आपको एक अच्छा डिसेंट लिस्टिंग या फिर अच्छा लिस्टिंग वहाँ पे मिल सकता है। तो ऑफकोर्स उस IPO के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फर्स्ट डे में ही यहाँ पे 2 times हो चुका है, तो अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। इन दोनों ही IPO के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा IPO है क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग का IPO। तो क्रेडो के नाम से तो शायद आप इसको आप नोन नहीं होंगे, लेकिन मुफ्ती जींस के नाम से आप ज़रूर फेमिलियर होंगे। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड सेलिंग करती है मुफ्ती ब्रांड के अंदर, जिसके अंदर ये स्पेशली जो मेंस वेयर है, मेंस कैजुअल वेयर के अंदर इनके प्रोडक्ट्स हैं। 1990 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और स्टार्टिंग में ये मेंस के कुछ ही कैजुअल वेयर्स ये रखती थी, बाद में इन्होंने अपनी रेंज बढ़ाई और अब ये मैन रिलेटेड जितने भी कैजुअल वेयर्स होते हैं, चाहे वो जीन्स हो, टी शर्ट्स हो, पुलोवर्स हो, या फिर स्वेट शर्ट्स हो, हर तरीके के ब्लेजर्स हो, हर तरीके के जो मेंस वेयर होते हैं वहाँ पे, जो ये क्लोथिंग होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स ये अपने देती है। टोटल इनके ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें तो 1779 आउटलेट्स जो हैं अभी इनके वर्किंग हैं। तो ये कंपनी का छोटा सा बिजनेस मॉडल है और काफ़ी फेमिलियर नेम है। अगर इसके आप फाइनेंशियल्स की तरफ देखें कि कंपनी का कैसा वर्क हमको देखने को मिलता है, तो कंपनी के असेट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लास्ट 3 years से ग्रोइंग है। कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इनका रेवेन्यू 43% से राइज हुआ है लास्ट 2 years में। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहाँ पे इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 116% से राइज हुआ है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिगर है। कंपनी की नेटवर्थ भी हमको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है, और कंपनी के पास कुछ नॉमिनल जो है बोरोइंग्स भी हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1800 crores का होने वाला है। कंपनी का ROE या ROCE दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव है, कंपनी पैसा बना रही है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो 1 से कम है, 0.65 का। इसका EPS है 0.54 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 29.98 का। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। IPO की डिटेल्स की तरफ बात करें तो आज इसका सेकेंड डे है, फर्स्ट डे ये 19th of December को ये ओपन हुआ है, 21st of December को ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद 27th of December को एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। इसका प्राइस है ₹280 पर शेयर का हायर कट ऑफ पे, एक लॉट में 53 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल साइज इस IPO का 549 करोड़ का है, जो पूरा ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे पुराने प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को निकाल के जा रहे हैं। अब इसके अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 136 का। इस IPO का प्राइस हमने देखा था 280 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 48-49% तक की लिस्टिंग है एक्सपेक्टेड है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फर्स्ट डे में ये भी 2 times ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो तीनों ही IPOs को अगर हम कंक्लूड करें तो इन तीनों ही IPOs में जो पहला है हैप्पी फॉर्जिंग का IPO और मुफ्ती ब्रांड का IPO, ये दोनों ही IPOs बहुत अच्छे हैं। इन तीनों को अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मेरे लिए हैप्पी फॉर्जिंग का IPO नंबर 1 में उसको कहूँगी, नंबर 2 पे आप यहाँ पे क्रेडो ब्रांड मीन्स मुफ्ती ब्रांड का IPO, और तीसरा है RBZ ज्वेलर्स का IPO। RBZ ज्वेलर्स में यहाँ पे आपको 30% तक की लिस्टिंग देखने को मिल रही है, और बाकी के अपर 2 IPOs में 48-49% तक की लिस्टिंग गेन देखने को मिल रही है। तीनों ही IPO अप्लाई करने लायक हैं, आप चाहे तो इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डे में ऑलरेडी 2 times से अप ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो आप इन IPOs में अप्लाई कर सकते हैं। और आपने किस IPO में अप्लाई किया, किस में नहीं किया, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट IPO आज से ओपन होने वाला है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग का IPO, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो होप करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू।